गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फाइव स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पहले आप अपने हिंदी व्याकरण वाटिका निकालो और पेज नंबर 21 पे आ जाओ। आपको याद है पिछले क्लास में हमने उपसर्ग के बारे में जाना था, जैसे कि शब्द से पहले लग के नया शब्द बनता है, दैट मीन्स प्रेफिक्स। और प्रत्यक्ष के बारे में जाना था, प्रत्यय मीन्स सफिक्स, मतलब शब्द के बाद जो लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। ओके, तो आज हम आगे पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जैसे कि हम जान गए, हम क्या जाने, ना शब्द के शुरू में जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग होता है। ओके, जैसे कि शब्द से पहले अयुक्त काल क्या हुआ, अकल, तो अ पहले लगा तो शब्द के पहले जो शब्द जुड़ता है उसको कहते हैं उपसर्ग। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि पढ़ युक्त कर, पढ़कर, तो कर बाद में आया तो पढ़कर क्या हुआ, न कर हुआ, प्रत्यय। तो दो शब्द मिलकर सामासिक शब्द बनते हैं। ओके, तो अब आपकी बारी, बोलिए, ये आपके ओरल में है कि शब्दों के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ओके, आप इसको कॉपी में लिखोगे। देन उसके बाद क्या है, ना दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनने वाले की प्रक्रिया को ओके क्या कहते हैं, ना सामाजिक शब्द कहते हैं। ओके, उसको सामाजिक शब्द कहते हैं। ओके, तो अब लिखित में आइए, ना उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द को अलग अलग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं इसमें प्रत्यय वाले शब्द हैं और उपसर्ग भी है, जैसे सकुशल, सुरीला, मिठाई, सज्जल, देखकर, बेगुना, विक्रय और चित्रकार। तो पहले जो शब्द आड़ हुआ उसको उपसर्ग कहेंगे और बाद में जो शब्द आड़ हुआ उसको प्रत्यय कहेंगे। यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में अलग हैं। ओके, तो उपसर्ग वाले शब्द इसके नीचे लिखेंगे, प्रत्यय वाले शब्द इसके नीचे लिखेंगे। जैसे कि सकुशल, सकुशल मतलब पहले क्या आड़ हुआ, ना शौ, कुशल था, उसमें शौ आड़ होने से हुआ सकुशल, तो सकुशल हुआ उपसर्ग। उसके बाद सुरीला, सुरीला क्या है, ना सुर युक्त इला, तो क्या हुआ, ना सुरीला, तो सुरीला कौन से वाला शब्द में आता है, ना प्रत्यय, क्योंकि इला बाद में जोड़ा हुआ। उसके बाद मिठाई, मिठाई क्या है, ना मीट युक्त आई, तो क्या हुआ, मिठाई, तो ये हुआ प्रत्यय वाले शब्द क्योंकि बाद में आई जोड़ा गया। उसके बाद सज्जल, सज्जल के वैसे ही, ना सौ हुआ, पहले सौ आया, उसके बाद जल, सज्जल, ना उपसर्ग पहले आड़ हुआ, तो ये हुआ क्या, ना उपसर्ग, सज्जल। देन उसके बाद देखकर, तो देखकर क्या है, ना देख युक्त कर, देखकर, कर बाद में जोड़ा इसलिए देखकर हुआ प्रत्यय, तो प्रत्यय के नीचे लिखोगे देखकर। देन उसके बाद आता है बेगुना, बेगुना क्या है, ना गुनाह से बे जुड़ा इसलिए बेगुना हुआ, पहले बे जुड़ा उसके बाद गुनाह, तो बेगुना हुआ कौन से शब्द, ना उपसर्ग, तो उपसर्ग के नीचे लिखोगे बेगुना। देन विक्रय, विक्रय क्या, ना पहले पहले वी आड़ हुआ, वी युक्त क्रय हुआ विक्रय, तो विक्रय क्या है, ना विक्रय भी उपसर्ग वाले शब्द हैं। देन उसके बाद आता है चित्रकार, चित्र युक्त कार, चित्रकार, तो कार बाद में आड़ हुआ इसलिए चित्रकार हुआ प्रत्यय वाले शब्द। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, शब्दों में जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय पहचान कर लिखिए। जैसे कि असत्य लिखा है, असत्य कौन से वाले शब्द है, उपसर्ग वाले शब्द या प्रत्यय वाले शब्द, ना ये उपसर्ग वाले शब्द है और इसमें अ पहले आड़ हुआ है, तो यहाँ पे अ को छाटकर यहाँ पे लिखा गया है। असत्य एक उपसर्ग वाले शब्द है और इसमें अ पहले आता है, उपसर्ग क्या है, ना अ। देन उसके बाद सपूत, सपूत क्या है, ना पूत एक वर्ड है, उसमें सौ आड़ होने से हुआ सपूत, तो पहले क्या वर्ड हुआ, ना सवा, तो पहले जो सब अक्षर आड़ होता है उसको कहते हैं उपसर्ग, तो इसको छाट के यहाँ पे लिखेंगे सौ, सौ क्या है, ना उपसर्ग है। देन नादान, नाद युक्त आन, ओके, तो नादान क्या है, ना पहले दान बाद में दान आड़ हुआ, ना युक्त दान, नादान, तो ये हुआ प्रत्यय वाले शब्द, तो दान क्या हुआ, दान हुआ प्रत्यय वाले शब्द। देन उसके बाद चमकदार, चमक युक्त दार, प्रत्यय बाद में आड़ हुआ, तो इसमें प्रत्यय क्या है, ना दार है, चमकदार दार हुआ प्रत्यय। देन टहलना, टहल युक्त ना हुआ क्या, टहलना, तो बाद में ना आया इसलिए ना हुआ प्रत्यय। देन दयालु, दया युक्त इलु, दयालु, तो दयालु कौन सा शब्द है, ना दयालु भी प्रत्यय वाले शब्द हैं, ओके, क्योंकि लास्ट में लू लगा है, तो इसमें प्रत्यय शब्द क्या है, ना प्रत्यय है लू। देन कम टू द पेज नंबर 22, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पे कार लिखा था तो हमने यहाँ पे उप लगा दिया,
उपयुक्तकार क्या हुआ, उपकार। वैसे ही भाव है, हम इसमें उपसर्ग लगा देंगे अ, अयुक्त भाव अभाव। देन उपवन है तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगाएंगे क्या ना, उप, उपयुक्त वन उपवन। पहले जो लगा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद में जो लगा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले शब्द जुड़े ये सब क्या है, ये है उपसर्ग। ये बाद में जो शब्द जुड़े हैं ये हुआ प्रत्यय। जैसे कि धन युक्त वान क्या हुआ, धनवान। वैसे ही अपना युक्त ब्लैंक दिया गया था, इसमें मैंने पन भरा है, अपनापन। ओके, तो जोड़ोगे तो क्या होगा ना, अपनापन। देन उसके बाद सफल युक्त ता क्या हुआ ना, सफलता। ये सब प्रत्यय हुआ। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द समूह के लिए सामाजिक शब्द लिखिए। जैसे कि पाठ के लिए शाला को क्या कहते हैं ना, पाठशाला। देश और विदेश ना, देश विदेश। देन गंगा का तट, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, इन चित्रों के नाम लिखकर उनसे उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पे उपसर्ग था उपहार, तो पहले उप आता है तो इसमें उपसर्ग क्या है, उप। देन ये क्या है ना, ये मिठाई है। मिठाई में क्या है ना, आई, मीठा युक्त आई, मिठाई। तो ये है आई है प्रत्यय, तो प्रत्यय को अलग करके लिखेंगे। देन उसके बाद चित्रकार, चित्रकार में चित्र युक्त कार, तो कार बाद में आता है तो ये प्रत्यय वाले शब्द है, तो कार क्या है, कार है प्रत्यय। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसको और एक बार घर में करोगे, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, इसको और एक बार कॉपी में करोगे और आपके स्कूल ऐप के थ्रू होमवर्क सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।